क्लियर को जरा देखते हैं. सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स एंड आर फॉर रेवेन्यू. सी एल ई ए आर, सी कैपिटल का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, एल लायबिलिटीज इसका मतलब हो गया वाजिबात, लोन जिसको आप उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वाजिबात, द अमाउंट व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है. सी एल ई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब कैश का आउटफ्लो नहीं होता. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंस का मतलब कैश, जेब से पैसे जाने को एक्सपेंस नहीं कहते. एक्सपेंसेस की स्टोरी कुछ और है, आज आप जाएंगे तो आप समझ लेंगे. ए का मतलब होता है एसेट्स, एसेट्स मीन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एंड आर स्टैंड फॉर रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम. ये पांच जो चीजें अकाउंटिंग की लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, पांच चीजों को हम समझेंगे, लेकिन इनको समझने का जो स्टेज आएगा वो एक टाइम के बाद आएगा. हमें सबसे पहले इनलाइन करना है अपने आप को कि बिजनेस में सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है ट्रांजेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वहीं से कनेक्ट कर लिया, अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस, इन सोशल साइंसेस के जो ये सब्जेक्ट है पूरा, इस सोशल साइंसेस ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, इनमें इकोनॉमिक इज द मदर सब्जेक्ट, इसकी एक ब्रांच है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है अकाउंटिंग साइंस. एंड अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है, वन इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिपोर्टिंग.